नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिनारायण आप लोगों को, खासकर पशुपालकों को ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसका नाम किफोसिस है। यह गाय और भैंसों में काफी होता है। इससे पशुपालकों को जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं घाटे का बिजनेस होता है। इसके लिए मैं घाटे के बिजनेस को ना मुनाफे के में परिवर्तन करने के लिए इसके बारे में सभी को जानकारी देना चाहता हूँ। इस बीमारी का नाम है किफोसिस। किफोसिस में का लक्षण यह है कि पीठ की रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ लगती है। इसमें टेम्परेचर 0.5 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तक कम रहता है। जितनी ज्यादा किफोसिस की तीव्रता होगी उतना ही पीठ की हड्डी नीचे की तरफ दबते जाएगा। जितना दबेगा उससे चारों पैरों पर दबाव पड़ेगा और वो लंगड़ा कर चलेगी। एक पैर से लंगड़ा हो सकता है, दो पैर से लंगड़ा हो सकता है, तीन पैर से चार पैर से लंगड़ा हो सकता है और कहीं इसमें सूजन भी नहीं होगा। किसी पैर में सूजन नहीं होगा, इसलिए सूजन की दवाई, दर्द की दवाई और कोई एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं करता है। इसलिए इस बीमारी में दवा देने के लिए लक्षण यह है कि पीठ की रीढ़ की हड्डी कमता है, दर्द होता है, दूध की कमी होता है, हर साल बच्चे नहीं दे पाती है और यह घाटे का बिजनेस होता है। किफोसिस के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला तो कि आप सभी गाय भैंसों को या क्या अभी फॉस्फोरस जो सोडियम एसिड फॉस्फेट है, यूरिमीन, इंजेक्टोफॉस सुई और पाउडर के रूप में आता है, आप सुई का इंतजाम नहीं करके आप व्यवहार कर सकते हैं खाने के लिए जो हमेशा देना पड़ेगा। और यह एक दिन की बीमारी नहीं है कि आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन में इसको समाप्त कर सकते हैं। ये आपको परमानेंट जब आपके साधन उपलब्ध हो सोडा फॉस को देते रहें। अगर इंजेक्शन चाहते हैं बीच बीच में तो इंजेक्शन दें, या यूरिमिन का होगा या इंजेक्टोफॉस का होगा। इस प्रकार हम आपको अपने पशुपालकों के लिए जो घाटे का बिजनेस हो रहा है उसमें मुनाफे का बिजनेस में बदलने के लिए उपाय बता रहा हूँ। अच्छा यह होगा कि आप गाय और भैंसों को सोडा फॉस या सोडियम एसिड फॉस्फेट के रूप में किसी कंपनी की कोई दवाई हो तो उसका व्यवहार करें। इसे अधिक जानकारी करने के लिए आप हमारे चैनल का करते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।